बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज कर रही हूँ मैं अपना न्यू ब्लॉग स्टार्ट। जिन दो शादियों के बारे में मैंने बताया था, तो उसमें एक शादी जो है वो करीब ही आ चुकी है 5 फरवरी को। तो उसी की जो फंक्शंस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। आज है सुमन दीदी का हल्दी फंक्शन, तो उसके लिए हमें गाँव जाना है और हल्दी फंक्शन सेलिब्रेट करना है। अभी मम्मी और दीदी उठ चुकी हैं, नहा धो चुकी हैं और अपना काम कर रही हैं। देन फिर हम लोग रेडी होकर खा पी के गाँव निकलेंगे और वहाँ करेंगे हल्दी फंक्शन। एक सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो ये है कि अब लगातार 3 से 4 दिन आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो आप रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहे और ये जो शादी सीजन वाला फंक्शन है इसे इंजॉय करिए। चलिए देखते हैं दीदी को, वो पोछा लगा रही हैं। मेहनत के साथ वो पोछा लगा रही हैं अंदर, मैं भी कुछ कुछ करूँगी। सो गाइस, अभी मैं येलो ड्रेस पहन के अपनी रेडी हो गई। अभी बस हम लोग वेट कर रहे हैं मौसी का, जैसे ही वो आएंगी फिर हम लोग निकलेंगे गांव के लिए। आपने कभी कपड़े पहले पहने प्रेस करवाया है? करा लेते हैं। ये देखिए दीदी, जरा यहाँ पे जाते टाइम हमारे साथ बहुत ही बड़ा कांड हो गया। गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही और अभी कुछ लेट मौसी को भी है, देखो कितनी देर होती है। वो इतना ज़्यादा सामान है, सामान की लोडिंग हो गई। तो फाइनली अब मौसी लोग आ चुकी हैं और ये देखो कितना सामान आई ना मम्मी। चलो तो ये सामान के साथ सब लोग लोड हो चुके हैं गाड़ी में और ये हमारा गिरता पड़ता सामान, मैं तो दिखूंगा ही नहीं सामान के आगे। अभी सेटलमेंट हो ही रहा है। बताओ, गेट तक नहीं खोल पा रही हैं। अरे लाल मामा लगा है सुमन हुआ। चलो खुल गया। चलो भाई, जाते टाइम तो आपने सामान देखा नहीं होगा कितना था, पर और ये सामान जो है 5 लोगों का नहीं, सिर्फ 2 लोगों का है। मम्मी और कुछ भी नहीं है। मम्मी और मौसी का है सिर्फ इतना सामान। हम लोग आते तो क्या होता, कितना हो जाता सामान। ये देखिए मौसी ने आते ही डांस। जय राम जय राम। यहाँ के कपड़े निकाले तो जाते नहीं, इसलिए मम्मी लोग यहीं पे रुकेंगी। तो छत में धूप दिखाने के लिए सब डाले जा रहे हैं। छत नहीं है, नीचे ही है। जा रहे हैं मौसी के यहाँ और वहाँ जाके पूछेंगे कि हम लोगों को सजावट करना कहाँ पे, कहाँ पे प्रोग्राम होगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये है हमारी ब्राइड जो कि बतलाते बतलाते झाड़ू लगा रही है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। ऊपर चलो, खाना हो रहा है, पहले खाना खाना अंदर फिर तो। चलो डेकोरेशन तो स्टार्ट हो चुका है। देखा जा रहा है कि हम लोगों का यहाँ पे सही है। तो इसके ऊपर आधा आ जाएगा। अभी सिर्फ लोकेशन डिसाइड हो रही है। किस साइड फोटो अच्छा नहीं, ठीक है रखो, अच्छा लगेगा। हम लोग प्लानर हैं, तो हम लोग अपना सामान भी खुद लेकर आते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा तो लाइक कौन सी लेनी है? ये कलर भी खिल के आएगा, ये वाला हुँ? ये वाला कलर भी खिल के उसके लिए 3 रुपये करके आया हूँ। मैंने करेगा उसके लिए, मैंने देखा देखिए है। आज हवा इतनी ज्यादा चल रही है पर हमारे डेकोरेटर्स ने काफी मेहनत की है। लुक तो आप देख ही सकते हैं। गाइस फाइनली हम लोग डेकोरेशन करके रेडी होके आ चुके हैं। हम देखते हैं हमारी जो ब्राइड टू बी है। हाँ लाए लाए, देखिए लिपस्टिक की तलब और ये भी हमारी दुल्हनियाँ तैयार हो रही है। चलिए सामने से दिखाते हैं। लाइट की समस्या है, लाइट आए तो काम आगे बढ़े। ले लीजिए, किस कौन लेगा?
बिहाइंड द सीन ये हमारे कैमरामैन, ये हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री से साउंड का इंतजाम लेके आए हैं। बस साउंड आने की देर है, उसके बाद तो नाचने का पूरा फ्लो बन जाएगा। बाकी सारी लेडीज भी अभी धीरे धीरे करके आके हाजली का प्रोग्राम करेंगे। हो गई उनकी भी हल्दी हो गई। निर्मल से कहा आपने मुंह से कनेक्ट करके देखी, शायद चली जाए। कुछ आ तो रही आवाज लग रहा। बजा बजा बजाओ। कहा बजा कैसे? यही तो बजा। निर्मल अपने मुंह तरह का देते रहे एनर्जी। साउंड के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। कुछ बजा। चलो अरे रुको, हम कनेक्ट कर रहे हैं ब्लूटूथ। ये सुन के आत्मा को संतुष्टि मिली। कौन सा है नाम बताओ? थोड़े थोड़े डांस सबके ऐड कर दिए हैं ताकि आप सबके डांस देख के इंजॉय कर सको, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो जितना मेरे से हो पाया मैंने उतना रिकॉर्ड किया। तो चलिए इंजॉय करते हैं सुमन दीदी का हल्दी फंक्शन, और लाइक कर दीजिए जल्दी से वीडियो। खुशी देख के निर्मल के आते ही बढ़ गई। नाचती रहो नाचती रहो। Thank you.
सब हो गया है, अब वापसी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। गाइस डे वन था, अब मिलते हैं डे टू में। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय। चलो भाई। अरे कोई बात नहीं, फिर भी तो अच्छा ही लग रहा है ना। अभी सबको बाय करके हम लोग जाएंगे और उमंग जो है वो यहीं पे रुकेगा, हमारा ही ना आर्टिस्ट। हम लोग घर आ चुके हैं और अब हम लोग उतर के खाने ऑर्डर करना चाहते हैं। सबसे पहले तू बैठे बैठे ही सोच रहे हैं कुछ अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ऑर्डर करेंगे और फिर मेरे पास तो बहुत बड़ा काम है वीडियो एडिटिंग का, क्योंकि कल जाएंगे तो कल फिर बहुत सारा नया माल रहेगा आप लोगों के लिए। तो